शैतान वजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाराए बुट्टो। मेरे दोस्तों, आपको होशियार रहना होगा, ये वही काले चेहरे हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ की सियासी कुवतों ने, यहाँ की सियासी पार्टियों ने हमारी पीपल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, मगर इनका ये ख्वाब देखते देखते इन्होंने हमारी क़यादतों को शहीद किया, मगर इनका ख्वाब ये पूरा ना हो सका। आज हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये केस लगाया जा रहा है, बेगुनाह केस लगाया जा रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के सेशन जज ने यह फैसला किया है कि ये केस जरदारी साहब बरी हो चुके हैं और हमारी पीपल पार्टी के कारकुनों के ऊपर ये केस लगाया जा रहा है, मगर ये साजिश हो रही है। आपको होशियार रहना होगा, मगर पीपल पार्टी एक नजरियाती जमात है, पीपल पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, पीपल पार्टी किसी की जागीर नहीं है, मगर इनकी ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर ये आज तक साजिश पीपल पार्टी के साथ होती हुई आई है, मगर पीपल पार्टी एक नजरियाती जमात है, पीपल पार्टी एक बादशाहरों की जमात है, पीपल पार्टी एक गैरतमंदों की जमात है, और सबसे बड़ी ये बात है कि पीपल पार्टी के साथ इस मुल्क के गरीब लोग खड़े हैं, पीपल पार्टी के साथ इस मुल्क के बादर लोग खड़े हैं, पीपल पार्टी के साथ इस मुल्क के नौजवान खड़े हैं, पीपल पार्टी के साथ इस मुल्क की ख्वातीन खड़ी है, सबसे बड़ी ये बात है। मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह नायल हुकूमत को हम मैदान से भगाए, जो इस मुल्क में चैंपियन किया, चैंपियन अपने आप को चैंपियन समझता है, कहता है कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नया पाकिस्तान स्टेज के ऊपर चढ़ के नहीं बना सकता, जो अपने मुल्क को नहीं देख सकता वो नया पाकिस्तान क्या बनाएगा। नारा है भुट्टो, जिए भुट्टो।